गर्मियां शुरू होते ही बिजली की कटौती भी शुरू हो गई है। करनाल के गोपीवाला गांव के बिजली कटौती की वजह से लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। करनाल के गोपीवाला गांव के लोग दिन निकलते ही पानी की जुगत में घरों से बाल्टी और मटके लेकर निकल पड़ते हैं। कुछ ही घंटे बिजली आ पाने की वजह से ग्रामीण अपनी रोज की जरूरतें पूरे नहीं कर पा रहे। पानी की भी दिक्कत आ जी और बिजली की भी, बिजली भी नहीं आती टाइम पर। एक दो घंटा हुआ इसमें क्या हुआ, इतना एक आधा डांगरों खतर भरा, इतना पीड़ता रह जा, पीड़ का भरा तो डांगर रह जा। तो पानी कहाँ से, दूर से लाना पड़ता? फिर दूर तो लाना पड़ा, फिर ये कंपनी आ रहे बाज लाए तो गड़े ठाठा का ना, और फिर उन पता लिया बुरबा का ना, टेडे पाटे पानी दे। पानी की किल्लत की वजह से बच्चे भी स्कूल बिना नहाए ही चले जाते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के यहाँ से कुछ पानी लेकर ये अपना गुजारा चला रहे हैं। पानी की समस्या बहुत है जी, बहुत दूर दूर तक पानी लिया, एक आधी घंटा लटावा जाकर नहाने का भी थोड़ा जाए, स्कूल तरह जाए, सारी दिक्कत है जी। तो कैसे काम चल रहा है? कैसे काम चल रहा है जी, दिहाड़ी कभी रहते नहाने धोने बगैर। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा जी, बहुत दूर दूर तक जावा पानी लेने। बिजली की वजह से इस गांव में पानी की कमी है, जिसे लेकर इन्होंने प्रशासन से कई बार शिकायत भी की, लेकिन भाग के वही तीन पार। गौरव आर्या के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो करनाल।